और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है। हमास और इसराइल को लेकर छिड़ी जंग दिन ब दिन बेहद भयावह और रौद्र रूप लेती जा रही है। इस जंग को लेकर दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तरफ वो देश हैं जो फिलिस्तीन के लिए दुआ मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत, अमेरिका समेत कई ऐसे बड़े देश हैं जो इसराइल के सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन उन देशों में रहने वाले कुछ नागरिकों की राय अपने देश की राय से बिल्कुल जुदा है। हम बात कर रहे हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जो अपनी रैलियों और मीडिया के सामने जब भी इस जंग को लेकर बयान देते हैं तो गाजा के लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। लेकिन इसी बीच अब सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी फिलिस्तीन के समर्थन में गाजा जाएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि असम के CM हिमंत बिस्व सरमा ने ओवैसी को ऐसी सलाह दे दी है कि वो भी सोच में पड़ जाएंगे। ओवैसी के इजराइल का विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में बयानबाजी करने को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। साथ ही मजाकिया लहजे में बोले, बिरयानी खाकर यहाँ इतना हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, गाजा जाएं और फिलिस्तीन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। ऐसे एक पब्लिसिटी लेने का कोशिश करते हैं, ये फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है? वो ऐसी जाए और हमास का साइड लेके वहाँ लड़े, गाजा में चला जाए, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहता है। वो ऐसी का जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है तो हम अभी जाओ गाजा में जाओ, यहाँ क्या हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा शनिवार को वाराणसी पहुंचे थे। यहां उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया, उसके बाद मीडिया से बातचीत की जिसमें उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला, तो दूसरी तरफ AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर सवाल पूछे जाने पर जो प्रतिक्रिया दी वो एक बार फिर से सुनिए। वो एक ऐसे एक पब्लिसिटी लेने का कोशिश करते हैं, ये फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है? वो ऐसी जाए और हमास का साइड लेके वहाँ लड़े, गाजा में चला जाए, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहता है। वो ऐसी का जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है तो हम अभी जाओ गाजा में जाओ, यहाँ क्या हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते। बता दें कि इजराइल हमास जंग बीते 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक इस युद्ध में न जाने कितने बेगुनाहों का लहू बहा, न जाने कितने घर, परिवार, गांव बम धमाकों, मिसाइलों और रॉकेट हमलों की भेंट चढ़ गए। फिलिस्तीन और इजराइल में पल पल गुजारना लोगों के लिए दहशत से भरा हो गया है, जान माल का नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहरहाल सियासत में कोई भी मुद्दा हो, बयानबाजी तो जारी रहेगी, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन में उपजे इन हालातों के बीच हम सिर्फ यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो और वहां के लोग खुली हवा में सांस ले सके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।